This is question number 5 of class 10th mathematics exercise 4.3. In a class test, the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30. तो सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ, लेट Shefali's marks in maths क्या सपोज कर लिए मैंने x, then Shefali's marks in English, भाई दोनों में 30 है तो इसमें कितना हो जाएगा, 30 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। According to question, had she got 2 marks more in maths and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in two subject. अगर उसे 2 marks mathematics में ज्यादा मिलते, यानी कि कितने मिलते, x plus 2 मिलते, और English में 3 marks कम मिलते, यानी कि English में कितने मिलते, 30 minus x minus 3 मिलते, तो उसके मार्क्स का जो प्रोडक्ट है वो कितने कितना होता, 210 होता, कितना होता 210। अब सोल्व कर लो इसे, है ना, तो कितना हो जाएगा ये x plus 2 and this 30 में 3 माइनस करेंगे तो 27 माइनस x इक्वल टू 210, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 27x माइनस x स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इक्वल टू 210। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 2x प्लस 54 माइनस 210 इक्वल टू 0। क्या आया भाई, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, सोल्व करते हैं, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 54 माइनस कर दो, कितना आएगा, माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का ग्रेट है ना 6, यहाँ क्या रहेगा 0, में से 5 माइनस किया 5 और ये 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के अगर पॉजिटिव नेगेटिव साइन है कॉमन लीजिए, एक्स माइनस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0, ठीक है। और माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ अगर इक्वेशन को, तो मुझे मिल जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। अब दो नंबर मुझे ऐसे चाहिए जिनका प्रोडक्ट 156 हो और मैं उन्हें आपस में ऐड करूँ तो मुझे कितना मिल जाए, 25 मिल जाए, है ना। तो क्या आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 27 और इन दोनों की 2x, ठीक। अब मुझे मिलता है 156 के फैक्टर करने पड़ेंगे, 2 7 14, 2 8 16 17, 2 2 3 6 2 9 18, 3 1 3 3 3 9 13। इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलता है 12 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ और 12 और 13 है ना, 12 प्लस 13, दोनों को ऐड करने पर 25 आ रहा, दोनों को प्रोडक्ट करने पर कितना आ रहा, 156। तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा किसमें, 13 प्लस 12x प्लस 156 इक्वल टू 0। तो मेरी x की वैल्यू यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो x की वैल्यू मेरी 13, 12 बन जाएगी, यानी कि दोनों के दोनों पॉजिटिव है। इसका मतलब मुझे कितने आंसर मिलने वाले हैं, 4। कैसे, इफ सी गॉट marks in maths, अगर उसे marks में maths में 13 marks मिलते हैं, then she got marks in English, तो उसे English में कितने मिलते हैं, भाई सीधी सी बात है, 13 में से x 30 minus x मिल रहे हैं ना, x की value यहाँ पे कितनी है 13, तो 13 में से मैं अगर 30 में से 13 माइनस कर दूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। इफ सी गॉट मार्क्स इन मैथ्स, अब उसे मैथ्स में 12 मार्क्स मिलते हैं, देन सी गॉट मार्क्स इन इंग्लिश, उसे इंग्लिश में कितने मिलते हैं, 18 मिलते हैं,
आंसर। क्लियर है? तो इजी क्वेश्चन था, अगर इक्वेशन हम बना लेते हो तो सोल्व तो आराम से हो ही जाती है ना। क्वेश्चन नंबर 6, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शोल्डर साइड। रेक्टेंगुलर फील्ड बना लेता हूं सबसे पहले मैं ना, ये मैंने रेक्टेंगुलर फील्ड जो है ड्रॉ कर लिया है, उसका डायगोनल क्या हो गया, ये हो गया है। दिस इज ए बी सी डी रेक्टेंगुलर फील्ड एंड डायगोनल इज ए सी व्हिच इज 60 मीटर मोर देन द शोल्डर साइड। तो मैं सपोज कर लेता हूं शोल्डर साइड क्या सपोज कर लेता हूं मैं एक्स मीटर, ठीक है ना। देन डायगोनल कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 60 इज द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शोल्डर साइड, और लॉन्गर साइड जो है वो कितना है 30 मीटर मोर देन लॉन्गर साइड। ये सारे के सारे कायम है मीटर में है ना। फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, फील्ड की साइड फाइंड करनी है। तो तुम देखते हो यहाँ पे क्या बनता है, ये रेक्टेंगल है ना, तो ये 90 डिग्री होगा, सीधी सी बात है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है ना, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी हाइपोटेंस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेंस कितना मेरा, एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर एक्स स्क्वायर प्लस बेस कितना है, एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर। सोल्व करता हूँ है ना, होल स्क्वायर खोलो, आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा है ना, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? क्या है यहाँ पे 3600, 60 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे यही मिलेगा 3600 है ना, प्लस 6 टू जा 12 120 एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस कितना 60x। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करता हूँ, उठा के लिख पाता हूँ इधर, तो एक्स स्क्वायर आता है माइनस में, फिर एक्स की टर्म्स 120x माइनस 60x विदाउट एक्स टर्म्स 3600 माइनस 900 इक्वल टू जीरो। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस करेंगे कितना मिलेगा मुझे, 2700 इक्वल टू जीरो। क्लियर है? माइनस नहीं होना चाहिए आप एक्स स्क्वायर का, तो कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस 2700 इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इक्वेशन को तो मुझे मिल जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू जीरो। दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका प्रोडक्ट 2700 हो और डिफरेंस 60 हो, तो वो कौन कौन से है, 90 एंड 30। 27 90 माइनस 30 इक्वल टू 60, एक्स स्क्वायर माइनस 90 माइनस 30, एक्स माइनस 2700 इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं सोल्व करता हूँ तो मुझे मिलता है एक्स माइनस 90 और एक्स प्लस 30 इक्वल टू वोट जीरो। यहाँ से मैं वैल्यू फाइंड करता हूँ एक्स की, तो मुझे मिलता है एक्स इक्वल टू 90, एक्स इक्वल टू माइनस 30 विच इज इनवैलिड है ना। सोल्व करना तुम्हें सिखाया है, तो ये वैलिड है। देन क्या फाइंड करना मुझे, लेंथ और ब्रेथ है ना, तो लेंथ कितनी है मेरी, एक्स प्लस 30 है, लेंथ कितनी है एक्स प्लस 30। देन लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ फील्ड इक्वल टू 90 प्लस 30 इक्वल टू 120 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 90 मीटर है ना। देख लो 30 मीटर मोर देन शोल्डर साइड है ना, लॉन्गर साइड जो है 30 मीटर मोर देन है, बिल्कुल ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7, 8 ऑनवर्ड क्वेश्चन जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाता हूँ। ओके okay?